इंडियन प्रीमियर लीग का पांचवा मुकाबला था और ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला जा रहा था। इस मैच में चेन्नई ने पहले गेंद और फिर बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मैच 6 विकेट से जीत लिया और इस मैच के हीरो रहे चेन्नई के सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन। वॉटसन ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 44 रन बनाए। वॉटसन की इस विस्फोटक पारी का आखिरी सिक्स सीधा दर्शकों के बीच जा गिरा और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी के दौरान अमित मिश्रा द्वारा फेंकी गई 7वें ओवर की 4थी गेंद को वॉटसन ने दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। गेंद 86 मीटर की दूरी तय कर सीधा दर्शकों के हाथ में गई। फिर क्या था, दर्शक इस गेंद के साथ खेलने लगे और इतना ही नहीं गेंद को वापस देने से भी मना कर दिया, जिसके बाद एम्पायर को नई गेंद मंगवानी पड़ी। लेकिन बाद में पुलिस ने जाकर वो गेंद अपने कब्जे में ले ली। आपको बता दें कि चेन्नई की इस आईपीएल में लगातार दूसरी जीत है, जबकि दिल्ली को 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस वाक्य को देखकर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी हैरान रह गए थे, क्योंकि इस तरह का वाक्य पहली बार हुआ है कि दर्शकों के बीच गेंद गई तो उन्होंने वापस देने से ही मना कर दिया। आपकी इस घटना पर क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए।